गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आराध्या, भव्या, मनीष, रितिका, संजय, दर्शिका, मनीष, रुद्राक्ष। लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? ठीक है ना चिल्ड्रन? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 10C एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, 11 क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 18 चेयर इज रुपीज 22,770। हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बाउट फॉर रुपीज 10,120। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था बच्चों की जो फाइंड करना होता है उसे राइट में लिखते हैं और जो गिवन है उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस रुपीज 22,770 इज कॉस्ट ऑफ, कितने चेयर का कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स, देयरफॉर रुपीज 1 इज कॉस्ट ऑफ, बताए थे बच्चों की डिवाइड हो जाएगा 22,770 चेयर्स, देयरफॉर रुपीज कितने का फाइंड करना है? तो 10,120 ये मल्टीप्लाई होता है 18 × 10,120 अपॉन 22,770, कैंसिल। ठीक है ना? अब देखो ये 11 से जा रहा है चिल्ड्रन, है ना, और ये भी 11 से जा रहा है, बड़े बड़े। अब देखो इसको देखते ही समझ जाओ, देखो 11 2 जा 22, अब 7 जाएगा नहीं तो 0 लगेगा, और 11 7 जा 77। अब इन सब चीजों में आपको दिक्कत आती है। देखो डिवाइड करते हैं 21 11 से कर रहे हैं तो 11 2 जा 22 कैंसिल हो गया बच्चों। अब 7 उतारा हमने नीचे, याद ही होगा डिवाइड में 7 नहीं जाता, दूसरे डिजिट के लिए 0 लगाना पड़ता है ना, तो 11 7 जा। ये सब याद रखो, नहीं आए तो पीछे जाके डिवाइड करो और जो ये आ रहा है क्वेश्चन उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखो। अब 11 से ये भी देखो पूरा 101 एक साथ जाएगा, 10 तो 11 से जाएगा नहीं, 11 9 जा 99, 2 बच गया, 11 2 जा 22, आ गया समझ में सबको? ठीक है ना? अब हम फिर इसको देखते हैं किससे ये जा रहा है, तो देखो दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 6 जा 18 और 27, 3 9 जा 27 और 3 से 3 6 जा 18, फिर 6 से 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब ये देखो 23 है ना, अब 3 के टेबल में 2 कब आता है? 4 टाइम्स में। अब तुम इसको इस तरह से करके देख सकते हो, 12 1 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये कितने टाइम्स में पूरा कट गया? अब इसकी कोई टेबल नहीं है बेटा, क्योंकि 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है और 23 प्राइम नंबर है, तो आपको ये आना चाहिए कि हमें इसे कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लास्ट के डिजिट को देख लेते हैं, 3 के टेबल में देखो 2 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। तो आप मल्टीप्लाई करके पहले देख लो कि 4 टाइम्स में वो कैंसिल हो रहा है या नहीं, हो रहा है तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। अब मेरे पास कितना बचा है? 2 × 4, सो दिस इज द प्राइस ऑफ 8 चेयर्स, सो दिस इज द आंसर, 10,120 इज द कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? और कैंसिल करना तो आपको सीखना पड़ेगा बच्चों, अभी तो आपकी 6th क्लास है, छोटी क्लास है, धीरे धीरे आपको
बड़े बड़े जो हैं आपको कैंसिल करने आने चाहिए, है ना। मैंने तो यहाँ पे दो बार 3-3 से किया है चिल्ड्रेन, आप चाहते तो 9 से डायरेक्ट कर सकते थे, 9 2 18, ठीक है ना, 9 2 18 एंड 9 3 27, बट अभी आपको अच्छे से आता नहीं है इसलिए मैं आपको छोटे डिजिट से कर 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 सिखा रही हूँ। जब आपको एक बार आ जाए अच्छे से तो आप बड़े डिजिट से करना। ओके रुद्राज, हाँ गुड। आपको जब आ जाए ना तो आप इनको बड़े डिजिट से करो। अभी तो क्या है ना, जैसे लास्ट क्लास में कोई बच्चा कह रहा था ना कि मुझे बड़े डिजिट से नहीं आता, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप खुद से कैंसिल करो, ये मैम का देख देख कर मत इसे कॉपी करो, इसको खुद से कैंसिल करोगे तो अपने आप आपको ये करना आ जाएगा। ओके चिल्ड्रेन, हैव यू डन? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ के देखो दो पार्ट है चिल्ड्रन, पहले हम ट्वेल्थ का फर्स्ट बना रहे हैं। तो ट्वेल्थ के फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, एक कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार है जो 195 किलोमीटर 3 आवर्स में जाती है ना। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर जाने में इसे कितना टाइम लगेगा, कि मतलब इस क्वेश्चन में हम टाइम को राइट में रखेंगे और जो किलोमीटर है इसे हम लेफ्ट में रखेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट में कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, सॉरी हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स विद द सेम स्पीड। सेकेंड पार्ट में मुझे टाइम मिला हुआ है और मुझे निकालनी है डिस्टेंस, तो टाइम हमारा आ जाएगा लेफ्ट में और डिस्टेंस चला जाएगा राइट में। देखो चिल्ड्रन मैं इसे कर रही हूँ, आप देखो देखेंगे, सिंस कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स, देयरफोर कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर, पता ही आपको यहाँ डिवाइड हो जाएगा, देयरफोर कार ट्रेवल्स कितनी किलोमीटर निकालना है हमें, 520 किलोमीटर, ये मल्टीप्लाई होता है 3 × 520/195। डायरेक्ट देखो 3 से कैंसिल कर रही हूँ, 3 4 3 6 18 और 3 5 15, 3 6 18 और 3 5 15। अब देखो 13 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, और फिर 5 8 14, सो द आंसर इज 8 आवर्स, ठीक है ना। आपको मर्जी हो तो 5 5 से भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन 13 की टेबल आती है तो 13 से हम कैंसिल करेंगे। अब सेकेंड पार्ट देखो चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं सेकेंड पार्ट निकाल रही हूँ, स्पेस है हम बना सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लिखेंगे सिंस, इसी को उल्टा लिख लेंगे, सिंस इन 3 आवर्स कार ट्रेवल्स डिस्टेंस, कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 195 किलोमीटर, या डिस्टेंस नहीं भी लिखोगे, 3 आवर्स कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर भी डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको छोटा लिखना है कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर, या डिस्टेंस ऑफ लिखने से अच्छा लगता है बच्चों। देयरफॉर इन 1 आवर, आर होता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कार ट्रेवल्स 195/3 किलोमीटर, देयरफॉर इन कितने में निकालना है हमें, 7 आवर्स, तो 7 आवर्स
195 × 7/3 दिख रहा है ना आपको, 3 से कैंसिल हो जाएगा फिर ये, 3 6 = 18 ठीक है ना, और 3 5 = 15 तो आ गया 65। ये 3 ऊपर का है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ का है 65 × 7। और अब 7 5 = 35 कैरी 3, 6 7 = 42 और 45 किलोमीटर। देखो अब यहाँ पे आर मिला था तो वो लेफ्ट में आ गया, और किलोमीटर फाइंड करना था तो राइट में आ गया। डे वन से मैं आपको ये बता रही हूँ बच्चों कि जो गिवन है उसको लेफ्ट में रखो और जो फाइंड करना है उसको राइट में रखो, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन 12। अब 13 क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम है, आप 13 खुद बनाइएगा ठीक है ना, जो 12 है वही 13 है, यहाँ पर सिर्फ वो चेंज हो गया है, यहाँ पे लेबरर है तो यहाँ पे उनकी मनी और डेज है, यहाँ पे लीटर और किलोमीटर और आर था, तो मैं 13 नहीं बता रही, 13 आप खुद से करेंगे, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट में 14 बताऊंगी। हो जाए तो डन लिख देना बच्चों, फिर नेक्स्ट कराऊंगी। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, हम 13 आप खुद कर लेंगे। ये भी सेम उसी तरह से है बच्चों, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है ये भी। 14 का फर्स्ट पहले दे रखा है, वेट जो है वो 65 बुक्स का वेट 13 केजी है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वेट ऑफ, ये भी खुद से बनाओ आप लोग, वेट ऑफ 65 बुक्स, 65 बुक्स इज 13 केजी, देयरफॉर वेट ऑफ वन बुक इज 13/65 केजी, देयरफॉर वेट ऑफ कितने बुक की निकालनी है हमें, 80 books. This is 13 × 80/65. फिर 13 का टेबल यूज करते हैं, 13 5 = 65 और 5 1 = 5 और 35 6 = 30, 16 केजी, दिस इज आवर आंसर ठीक है ना। 80 books का वेट कितना हो जाएगा, 16 केजी। सेकेंड पार्ट में है चिल्ड्रेन, हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6.4, 13 केजी उल्टा कर लेंगे इज वेट ऑफ 65 बुक्स, देयरफॉर 1 केजी इज वेट ऑफ 65/13 बुक्स, देयरफॉर कितने बुक्स अब लेने हैं हमें, कितने केजी लेने हैं, 6.4 केजी, 6.4 केजी इज वेट ऑफ 65 × 6.4/13, 13 5 = क्या आ गया, 5 × 6.4, 5 4 = 20 कैरी 2, 6 5 = 30 और 32 ठीक है ना, कितने बुक का आएगा तो 32 बुक्स का, सो दिस इज 32 बुक्स। बहुत इजी है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना।
ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे बच्चों, 12, 13 and 14। वेरी गुड मनीष, आज फिर इतने कम बच्चे कैसे क्लास में हैं आज? आज बहुत ही कम बच्चे आप लोग प्रेजेंट हो फिर आज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, 15 तक सेम है बच्चों, 16 से फिर चेंजेस आएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी वो क्या होगा। देखो 15 भी यही है, सेम ही है हमारे पास। कह रहा है कि 48 बॉक्सेस में हम 6000 पेन रख सकते हैं, तो हाउ मेनी सच बॉक्सेस विल बी नीडेड फॉर 1875 पेन्स। कर लोगे बच्चों ये, या बताओ बोर्ड पर, गिव मी रिस्पांस। ये भी सेम होगा, सिंस 6000 पेन्स आर अकोमोडेटेड इन 48 बॉक्सेस, देयरफॉर वन पेन एंड देयरफॉर 1875 पेन्स। कर लोगे सब, आप खुद से कर लोगे ना? रितिका ने तो यस लिख दिया, बाकी के नेक्स्ट बच्चे बताओ। रुद्राक्ष, मनीष, ओके। अब देखो, अब 16 से कुछ अलग है बच्चों, पहले 16 समझो फिर मैं बताती हूँ। सपोज करो आप क्लासरूम में, आप लोग सब आते थे ना स्कूल में, क्लासरूम में आप लोग सब बैठे हुए हो। अब सपोज करो कि आप लोगों ने क्लासरूम में कचरा कर दिया और मैंने कहा कि आपने जो भी यहाँ पे गंदगी फैलाई है इसको साफ करो। अब सपोज करो पहले मैं 5 बच्चे को कह रही हूँ कि 5 बच्चे आप मिलकर क्लासरूम को वापस आप क्लीन कर दो, तो सपोज करो कि 5 बच्चों को, अगर क्लास को क्लीन करने में 5 मिनट्स लग रहा है, तो अगर मैं 1 बच्चे को कहूँ कि नहीं तुम्हें अकेले क्लीन करना है, तो मुझे बताओ टाइम मोर लगेगा या लेस लगेगा? चैट पे बताओ मुझे, अगर अकेला बच्चा सफाई कर रहा है तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? ही टेक्स मोर टाइम और लेस टाइम? यस मैम, क्या मोर? यस गुड रितिका। मतलब अगर हम कोई भी एक वर्कर है, सपोज करो हम कोई वॉल बनवा रहे हैं घर पे, या कब सपोज करो अपने घर में देखा है ना कमरे की पेंटिंग करवा रहे हैं, अगर हमें जल्दी पेंटिंग करवानी है तो हमें ज्यादा लेबर रखने होंगे, और अगर हम लेबर को कम कर देते हैं बच्चों तो टाइम ज्यादा लगेगा। गुड, तो यहाँ पे अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से करने जाएंगे, अभी तक आपने देखा कि जब जैसे सपोज करो कि आप सपोज करो कि आप 10 किलोमीटर जा रहे हो 3 आवर्स में, तो 1 किलोमीटर आप कम समय में जाओगे, तो कम जब टाइम होती है बेटा, लेस के लिए हम डिवाइड कर देते हैं, और मोर के लिए क्या होता है, मोर के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो यही वर्ड्स प्रॉब्लम है चिल्ड्रन की, वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे डिवाइड। यहाँ तो मैं प्रॉब्लम बना रही हूँ तो आपको समझा रही हूँ। जैसे देखो हमारा क्वेश्चन 16 लिख रहा है, 24 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 डेज। 24 वर्कर्स हैं जो मिलकर एक वॉल को 15 डेज में बना रहे हैं। अब सपोज करो उसी वॉल को मैं 1 वर्कर से बनवाना चाहूँ, तो 1 वर्कर को बनाने में कितना डे लग जाएगा? 24 into 15, यहाँ पे अब डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपको प्रॉब्लम पढ़ के खुद समझना है कि कहाँ पे डिवाइड होगा। अब आप सपोज करो 10 किलोमीटर 3 घंटे में गए, तो 1 किलोमीटर जाने में ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेस टाइम लगेगा, तो जहां पे लेस लगता है वहां पे डिवाइड कर देते हैं, जहां पे मोर लगता है वहां पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? रितिका आंसर नहीं चाहिए, अभी मैं समझा रही हूँ बेटा, आप समझो।
पहले आप समझ लो, क्योंकि यहाँ पे अभी तो मैं करा रही हूँ, एग्जाम में जब प्रॉब्लम आता है तो आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे डिवाइड करना है। मैं ये समझा रही हूँ, आंसर तो हम निकाल ही लेंगे, आंसर इज नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। तो आप देखो, जैसे मैं इसको यहाँ पे समझा रही हूँ, क्योंकि तब आपके पास ये लिखा नहीं होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, आपको खुद समझना है, खुद करना है। अब यहाँ पे देखो, वर्कर्स दिए हुए हैं तो वर्कर्स रहेंगे लेफ्ट में, और डेज फाइंड करना है तो डेज जाएगा राइट में, सिंस 24 वर्कर्स, 24 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 डेज। देयरफॉर अब हम 24 की जगह, वही जैसे मैंने आपसे बोला, मैं एक बच्चे को कहूँ सफाई करने, तो एक वर्कर को कितना डे लगेगा, जितना 24 कर रहे थे। देखो बच्चों, 24 लोग 15 डेज, तो अकेला जो है उसको 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी तक याद होगा हम सब में लेस होता था तो हम डिवाइड करते थे। अब हम कितने वर्कर्स को लगा रहे हैं, 9 वर्कर्स को लगा रहे हैं। 9 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल, और अब ये जो मल्टीप्लाई होता था अभी तक बच्चों, वो आ जाएगा डिवाइड में। 3 से पहले करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 3 8 जा 24, तो 8 5 जा 40, कितना डे लेगा वो, 40 डेज लेगा। अगर हम 24 की जगह 9 वर्कर्स को लगा लें, तो 24 वर्कर्स जिस काम को 15 डेज में कर रहे थे, 9 वर्कर्स को करने में कितने डेज लगेंगे, 40 डेज लगेंगे। आ गया बच्चों समझ में आपको अच्छे से। अब ये चीज डिसाइड करना कि कहाँ पे डिवाइड होगा, कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझना होगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, आप क्वेश्चन पढ़ो, समझो। अगर जहां पे लेस हो रहा है तो ध्यान रखना, लेस का मतलब डिवाइड, और जहां पे मोर हो रहा है, मोर का मीन्स मल्टीप्लाई। हो जाए तो डन लिखते हैं, फिर आगे के सारे क्वेश्चन सेम है इसी तरह से, 17 18 और ये भी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अब 17 में है, 40 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज, हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 16 डेज। सेम क्वेश्चन है, सिंस जिन्हें आता है बना लो खुद से, सिंस 40 मैन कैन फिनिश ए वर्क, इन 26 डेज, देयरफॉर वन मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 40 x 26 डेज, देयरफॉर कितने मैन हैं। अब ये देखो उल्टा हो जाएगा बच्चों, हम 40 मैन से नहीं लिख सकते। पूछो क्यों नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे डेज दे रखा है तो हमको इधर डेज लेना होगा, है ना। मैंने इसको देखा नहीं बच्चों, सीधा नहीं है ये, बैक की तरफ से हमको लेना होगा। 17 में लिखेंगे ए पीस ऑफ वर्क, सिंस का साइन लगा देना, ए पीस ऑफ वर्क will be finished in 26 days by 40 men, ठीक है ना। तो therefore a piece of work, अब मुझे वन डे में ही खत्म करना है बेटा, तो मुझे 26 x 40 men लगाने होंगे। therefore
ए पीस ऑफ वर्क कितने डेज में कह रहा है खत्म कराने को, 16 डेज में. तो 16 डेज में 26 इंटू 40 अपॉन 16, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 जा, ठीक है ना, और फिर 2 से 5 और फिर 2 से 13, 65 मैन की जरूरत होगी हमें इसे, अगर चाहते हैं हम इसे 16 डेज में वर्क को फिनिश कर दे. वही है बच्चों, जो फाइंड करना है वो हमेशा राइट में जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, है ना. आ गया समझ में सबको? देखो कुछ भी नहीं है, जो गिवन है उसको हमेशा राइट में रखो और जो फाइंड करना है उसको, सॉरी, जो गिवन है उसको लेफ्ट में रखो और जो फाइंड करना है उसको राइट में लेकर चले जाओ. तो बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है. 40 men can finish a work in 26 days. So work will be finished in 26 days by 40 men. बस वही एक्टिव और पैसिव वॉइस वाली कहानी हो गई बच्चों, और कुछ भी नहीं है. Done. रितिका और मनीष ने तो कर लिया, रुद्राक्ष हाँ हाँ कर सकते हो. दर्शिका मैं पहले ही आपको बता रखी हूँ कि आप 2 से 4 से जिससे मर्जी हो करो, बट धीरे धीरे आप बड़े नंबरों से दर्शिका कैंसिल करना सीखो. आप किसी से भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से करो, जो सबसे मिनिमम है आप वो भी नहीं आए तो पीछे जाके डिवाइड करो और जो क्वेश्चन आता है उसको वहां पे लाके लिख लो. समझ में आ रही है ना बात? अगर वो भी नहीं समझ में आए तो आप पीछे जाओ और पीछे जाकर आप डिवाइड करो और डिवाइड कर जो क्वेश्चन आपका आता है वो आप उससे करो. वेरी गुड मनीष. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. देखो 18 क्वेश्चन में कह रहा है, इन एन आर्मी कैंप देयर प्रोविजंस फॉर 550 मेन फॉर 28 डेज, बट 700 मेन अटेंडेड द कैंप, हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट. अब घर में सपोज करो पिज्जा लेकर आए थे 4 लोगों के लिए और खाने आ गए 8 आदमी, तो क्या हो जाएगा? आपके पिज्जा के टुकड़े छोटे हो जाएंगे ना चिल्ड्रन, क्या होंगे? 4 थे आप लोग, 4 फ्रेंड थे, 4 फ्रेंड मिलकर एक पिज्जा लेकर आए खाने को, और जब खाने बैठे तो आपके 4 फ्रेंड्स और आ गए, तो आपका पिज्जा क्या हो गया? पिज्जा के पीसेस छोटे हो जाएंगे ना. ठीक इसी तरह से कैंप है, वहां पे 550 लोगों के लिए 28 डेज का प्रोविजन का मतलब होता है खाने का सामान, प्रोविजंस था. अब वहां पे 550 की जगह पे 700 मैन आ गए, तो क्या होगा? अब वो जो 28 डेज जो सामान चलना था चिल्ड्रेन, अब वो 28 डेज की जगह और कम ही डेज चलेगा, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है ना. तो यहाँ पे मैन गिवन है तो मैन को हम लेफ्ट में रख लेंगे, सिंस द प्रोविजन Since the provision were 550 men for 28 days. Yeah, since the provision last for little, the provision. ठीक है, सिंस द प्रोविजन वेयर प्रोविजन लास्ट फॉर 550 मेन, प्रोविजन लास्ट फॉर 550 मेन फॉर 28 डेज, देयरफॉर द प्रोविजन लास्ट फॉर 1 मैन. चलता बेटा, है ना,
देयरफॉर द प्रोविजन लास्ट फॉर कितने मैन के लिए चाहिए हमें 700। यहाँ पे मैन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 550 इंटू 28 अपॉन 700, है ना। ओके अब कैंसिल करते हैं, जीरो से जीरो गया और ये सेवन का टेबल ही है, देख रहे हो 7 4 28 और 7 से 10, है ना। फिर एक बार 2 से करते हैं, 2 5 2 4 2 4, फिर 5 से 11, 22 डेज में प्रोविजन जो है खत्म हो जाएगा। सो द आंसर इज 22 डेज। ओके चिल्ड्रन, अभी क्लास क्वेश्चन बच रहा है चिल्ड्रन सिर्फ 19 हमारा। सेम क्वेश्चन है चिल्ड्रन, बनाकर आप लोग आंसर भेजो मुझे। 19 सेम है, जो ऊपर वाला है वही 19 भी है। और सिर्फ आंसर नहीं भेजना बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड की साइन के साथ भेजो, है ना। गिवन क्वांटिटी ऑफ राइस इज सफिशियंट फॉर 60 पर्सन फॉर 3 डेज। क्या लिखोगे? क्वांटिटी ऑफ राइस इज सफिशियंट फॉर 60 पर्सन फॉर 3 डेज, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस इज सफिशियंट फॉर 1 पर्सन, 16 इंटू 3 एंड देन 18 पर्सन। चलो सॉल्व करो तो, और सॉल्व करके आंसर भेजो मुझे। आ रहा है बच्चों, बनाओगे ना भविया? मैंने तो आपको बनाने को कहा है बेटा, बोर्ड इज नॉट क्लियर की तो बात ही नहीं है। मैंने तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके आपको भेजने कहा है इस पे चैट पे। बच्चों बताना है या आप करके भेज रहे हो? देखो रितिका ने भेजा, सिंस राइस इज सफिशियंट फॉर 3 डेज, राइस इज सफिशियंट ऑफ 1 पर्सन, वेरी गुड रितिका, 16 into 3, सो राइस इज सफिशियंट ऑफ अपॉन 18, वेरी गुड, 3 6 18 और 10 डेज, गुड रितिका। नेक्स्ट कोई बच्चा कोई बना के भेजो, मैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करके भेज दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में आ गया है। और यहीं पर हमारा ये एक्सरसाइज भी बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 11 से तो आगे करवा दी थी ना बच्चों मैं आप लोगों को, 11 12 तो ऑलरेडी करवा रखी हूँ ना हाफ ये A7 के कोर्स में। गुड, वेरी गुड, गुड मनीष, वेरी गुड मनीष, मैंने देख लिया बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ दर्शिका आपने भी करेक्ट बनाया है, गुड, सही है बेटा। आप लैंग्वेज में पूरी कॉपी में लिख लेना राइस, इसमें तो लैंग्वेज भी डिफिकल्ट नहीं है, जो बुक की लैंग्वेज है वही लिख लेनी है आपको,
मनीष देख लिया मैंने आपका बेटा, करेक्ट है बिल्कुल। दर्शिका आपने भी करेक्ट बनाया है। और चिल्ड्रेन नेक्स्ट 11-12 चैप्टर तो अपना हो चुका है ना, मैंने करवा रखा है ना पहले आपको, बताओ मुझे अब 13 करना है ना आपको एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। फिर बेटा आप लोग बताओ तो एक बार, मैंने जब आपको हाफ ईयरली की कोर्स के लिए कहाँ से करवाया था, फिर 15 से करवाया था, एक बार आप मुझे रिस्पांस भेजो आप लोग। ओके 11-12 तो नहीं कराया, आगे बताओ। मैंने 6 के बाद आपको क्या करवाया था, 15 से पॉलीगॉन से कराया था, करेक्ट आराध्या, करेक्ट है बेटा। 15 कहाँ तक करवाया था, 15 16 17 18 19 20। रितिका 15 से आगे करवाई थी मैं, बताओ 15 से लेके 20 तक करवा रखी हूँ ना। ओके सो अभी हमें 11-12 नहीं करवाया है, 11-12-13-14 अभी हमारा, हाँ ओके 15 से 20 तक करवा रखी हूँ, ठीक है बच्चों। छोटे छोटे चैप्टर ये एक्सरसाइज है, 11-12 जो है ना बहुत ही छोटे हैं, 13-14 तो थोड़ा बड़ा है, और फिर उधर सिर्फ एक और चैप्टर बड़ा है आपका, वो 21 है, बाकी फिर 22-23-24 बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो नेक्स्ट 11 है ना हमारा, देखो बच्चों यहाँ पे ना हमारा जो नेक्स्ट जो 11 चैप्टर है ना वो हमारा लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन है, ठीक है ना। तो अब देखो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है ना, कि जैसे सपोज करो आपकी फुटबॉल जो होती है ना, फुटबॉल होती है, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल एक 3-डाइमेंशनल फिगर है, या आप मैच स्टिक की जो बॉक्स लेते हो या जिस डाइस से खेलते हो, ऑल दीज आर द सॉलिड फिगर्स। क्यों कहते हैं इनको सॉलिड फिगर, क्योंकि इनमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ओके कुछ फिगर्स जो होते हैं वो 2-डाइमेंशनल होते हैं, जैसे बोर्ड पर मैंने यहाँ पे देखो ये मैं एक बना दी रेक्टेंगल, तो ये इसे हम प्लेन फिगर कहते हैं, दिस इज नोन एज प्लेन फिगर। व्हाई दिस इज नोन एज प्लेन फिगर, बिकॉज इट इज ए 2-डाइमेंशनल फिगर, इसमें दो ही डायमेंशन है। 2-डाइमेंशन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसके पास लेंथ है और इसके पास ब्रेथ है, इसके पास हाइट नहीं है, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये एक प्लेन फिगर है बच्चों। और ठीक इसी तरह से अगर सपोज करो मैं यहाँ पे क्यूब बना लेती हूँ, अब देखो ये क्यूब बना ली, ये इसकी लेंथ है ना, ये हमारी इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो गया, सॉरी ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इस फिगर को हम सॉलिड फिगर कहते हैं, क्यों कहते हैं सॉलिड फिगर, क्योंकि इसके पास एल भी है, बी भी है और एच भी है, और इस फिगर को हम 3-डाइमेंशनल फिगर कहते हैं, ये इसी के नाम में ही है लगा हुआ, क्योंकि दिस इज नोन एज 3-डाइमेंशनल फिगर। वाई, बिकॉज इट कंटेन्स 1, 2, 3, इट कंटेन्स ओनली 2 L and B, सो इट इज ए 2-डाइमेंशनल फिगर। इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, यहीं से स्टार्ट होगा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग घर पे जब कर रहे हो तो आप लोग इसमें लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है ना 10D और MCQ वो करना, अगर कोई नहीं आए तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी आपको। ओके okay?